somebody आप बताओ। हेलो हेलो खाना खाने दो। कालू मामा पैसा पैसा को नहीं दूंगा मैं। हेलो एवरीवन बैक टू अगेन माय न्यू वीडियो और मैं सेलान साजी जो कि थे अब तो जानने लागे हम अपना खड़ा है यहाँ एमके स्टूडियो के काम कितना है समझ गया होगा थे दिखाओ ये ना एमके स्टूडियो मैं भी बहुत बड़ो फैन हूँ आपको बहुत ज्यादा 10 मिलियन को चैनल है आपस उम्मीद भी को नहीं कर सका तक जाने की तो वहाँ को स्टूडियो है और वो भी लोग घर है और वो हम रियान ऑफिसर है बाकी सम्मी भाई की चाहिए है क्यों ना सम्मी भाई ने क्यों को नहीं लेकर सम्मी भाई ने क्यों को नहीं लेकर सम्मी भाई बिजी है बिजी है और इनका खुद का भी चैनल है कितना बिजी हो पर गिटना जा भाई गिटना खुद से टाइम काट ले हम वगैरह गिटना के लिए टाइम काट ले तो आप बढ़िया यहां मॉल बनावा अभी ब्याह में दिखावा था ने तो चला पा आ जाओ करने की जगह है गाइस हमारी हिंदी को आपको पता है वो विलोम शब्द वाला जो अड़ंगा है वो नहीं आता मैं हिंदी वाला तो आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से भाई जी देख रहे जाना कोई बेनू तक आया भी हिसाब से देख रहे मैंने लेकिन मैं बेनू तक हूँ सिगड़ी नुत है सब परिवार को हमारे पे नुत्तो और कुछ नहीं जो थे समझ रहा हूँ ये एमके स्टूडियो की टीम के मेन बताऊँ तो क्या क्या बताऊँ इनको पब्लिक को नाम बताना मेरा नरेश नाम है नरेश भाई इनको मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो आप एमके स्टूडियो पे जाओ फिर जानोगे और आपको राहुल भैया सब सभी अंदर है सभी अंदर है ये हमें लेके भी जा रहे हैं राहुल भैया के पास लेके जा रहे हैं मुकेश भैया ब्लॉग चल रहे हेलो बोल दो सर हेलो हाय गाइस तो गाइस अभी तो ये इनका चल रहा है फोटो शूट आपको मिलाऊंगा जल्द मिलाऊंगा इनसे मिलाऊंगा प्री वेडिंग शूट इन्होंने सेल्फी पॉइंट भी लगा रखा है गाइस इनका भी अलग ब्लॉग चल रहे हेलो गाइस तो गाइस ये सोच रहे हैं खाना खाएं या बाद में खाएं इनको बताओ गाइस खाना खाना जी अभी तो अभी पेट में चूहे कूद रहे हैं गाइस अभी नहीं कूद रहे चूहे कूद रहे हैं गाइस चूहे वहां पर बच्चों का चल रहे हैं वो आप समझ रहे हो ना पता नहीं क्या चल रहे हैं सानिया के भाई का फोन आया गाइस ये इनकी फैमिली है ये राहुल भैया के पापा ये मम्मी ये राहुल भैया ये संजय भैया और ये मुकेश भैया इनके नाम पर है चैनल एमके स्टूडियो ले तो ये तो वही है अभी तो सम्मी भाई का भी खुद का चैनल है सम्मी पूरा नाम तो सम्मी मैंने तो कुछ नहीं सुनी अगर थाने सुनी है अगर आपको सुना है तो गाइस सब्सक्राइब करना यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पर आईडी दे दूंगा मैं इनके चैनल की यहाँ पर नहीं वीडियो के अंदर नहीं नीचे बताओ सब्सक्राइब करो और व्यूज बढ़ाओ मोस्ट टाइम कम्प्लीट करवाओ तो गाइस जो आपने फोटो में देखा था वही बंदा असली में पकड़ा गए रसगुल्ला चोरी करते हुए पकड़ा गए गाइस कैसे है संजय भैया संजय भैया जनता तो नहीं है भाई लोग ही अपने इनको बोलना नहीं करिए भाई को ज्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस गाइस इनका आशीर्वाद मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है 10 मिलियन का चैनल इनके पास है गाइस आशीर्वाद नहीं होता बिल्कुल तो मिलते हैं तो गाइस अभी मुझे एक बढ़िया इंसान मिले जिनको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे राहुल भैया कह रहे हैं
पे जानती हो ये तो ना ले जो छोटे से थे एमके स्टूडियो के चैनल पे जब से काम करते हैं गाइस। सेम शर्ट हो रही है हमारी, तो गाइस जो हमारी शर्ट है ना वो पहले शर्ट नहीं थी, पहले ये लुंगी थी। हम मुकेश भैया की शादी में आए थे, लेकिन आकर हम यहाँ क्या कर रहे हैं वो बताओ पहले। अबे तू थोड़ा सा क्या लोग देख रहे हैं इनका, पहले YouTube पे देखते थे और अब यहाँ पर देख रहे हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज मैं यही बोलूंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ी हस्ती के यहाँ पर आया हूँ खाना खाने। बाय बाय। हेलो गाइस, ये भी यूट्यूबर है। लाइक कमेंट करें, भाई ने सपोर्ट करो फुल, और थोड़ा बहुत माना भी करिया। बिल्कुल करो सर, ना करो 10-10 मिलियन करवाओ यार। तो कैसे सीधे 10 मिलियन तो करवाना है थाने? मैं तो रसगुल्ला चोरी करा रहे थैली थाली में डाला। तो गाइस इतना बड़ा आदमी बनना है कि अगर कोई मेरे से बात भी करे ना तो ऊपर देख के ही बात करे। देखो गाइस इतना बड़ा तो बनना ही हम लोगों को। तो गाइस मेरे को अभी नन्हे मुन्ने थोड़े फैन मिल गए हैं मेरे को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फैन है गाइस 15-20 दूंगा फैन, बोल दे एक बार। 20 रुपए में डील डन हो गई आपकी। वो बांध जो अपनो तीनों में देना पता है यार। इसका को बता, ठीक है ना? वांजा मिला आपा और दिखाऊं मैं, वांजा ने खाने दिखा दो। गाइस कैमरे वाले भैया मेरे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं। मेरी फोटो क्यों नहीं खींची? फिर सपा सा को नहीं दूंगा मैं। अच्छा एडवांस में शायद दे दिए, फ्री में करते हैं जो भी करते हैं। गाइस खाना एक चीज दिखाऊं, ये बढ़िया वाली कालू मामो, कालू मामो कौन हो? कालू मामो उस्मान गनी, रियल नाम उस्मान गनी। तो आज थे जानो उस्मान गनी ने। तो गाइस हम खाना खा रहे थे, सबूत लेने के तौर पर भैया आ चुके हैं, हमारी फोटो ले रहे हैं खाना खाते वक्त। तो आप देख सकते हो इन चोरों जैसी शक्ल वालों पर विश्वास नहीं है गाइस इनको, ये बांध नहीं लिखाएंगे गाइस लगता है। मैं हम दोनों भी नहीं, मैं लिखाऊंगा। सानिया से मिला दूं आपको। हेलो, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया नहीं हूँ। क्या मेरा फोन नहीं बज रहा? समझ नहीं आ रहा, मतलब स्टार्ट करती हूँ। कौन है वो? सारे से मिला थी। तीन तीन व्लॉगर मिल गए हैं गाइस, तीन तीन व्लॉगर। अरे तीन तीन क्या, बहुत सारे व्लॉगर हैं यहाँ पर। व्लॉगर ही व्लॉगर हैं, व्लॉगर ही व्लॉगर हैं, यूट्यूबर ही यूट्यूबर हैं। राहुल भैया, सोनम भाभी सब व्लॉगर, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। देखो गाइस देखो, शादी में यूट्यूब रहेंगे। और एक हम हैं गाइस जो खाने खाने के लिए मर रहे हैं। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। देखो गाइस ये आजू फिर आत्मा है, आजू खाना खाने का चक्रिया में। देखो मुंह माँ धोखा है, इस हिसाब से खाना खाओगे आजू। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? अगर क्यों कर वापस वापस। मेरे को ड्रोन वाला सीन चाहिए था, लेकिन ड्रोन तो अवेलेबल हो नहीं सका, तो मैंने एक चीज मंगवाई है, क्रेन। अच्छा अच्छा तो क्या बोलना चाहोगे? कॉम्प्लेन पिलाओ इसको, कमेंट में कॉम्प्लेन कर दो। तो गाइस मेरे पास ड्रोन के उपलब्ध नहीं, वो ड्रोन की व्यवस्था नहीं हुई ना, तो भाई को बुलाए मंडावा से। ड्रोन सीन आएगा गाइस, अब आपको देखने मिलेगा ड्रोन का भी सीन। तो गाइस लाइक करें, कमेंट करें।
अब मिलाता हूँ आपको मुकेश भैया से। हमारे ध्यान से भी बड़े हैं ये। चूरू का ये बड़ा है और ये राजस्थान के सबसे बड़े आदमी। गाइस बस इतना बड़ा आदमी बनना है। वो दबा दूंगा मैं। तो गाइस बस इतना बड़ा आदमी बनना है कि अगर लोग मेरे से बात करें। अब हमें खाना खाने दो। आने वाला फोन दे देता हूँ। बंद करती हूँ रख दो। बाद में आपको प्री वेडिंग सूट ये आपका वही सेलिब्रिटी है शैतान साजिद। बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, इसकी ओर नहीं कर सकते हम। ये बहुत ही स्मार्ट आदमी है। मामो दिखाऊं थाने मामो सगुन में डेढ़ो मामो दिखाऊं थाने सगुन के एक रुपया में मामो ऐड है मेरे। छोटे छोटे ना छोटे छोटे मामो भाई मामा है ये मामा लेकिन मन्ना बना रहे क्या अभी ये की तरफ से आपा इनवाइटेड है। दम बढ़िया आप बताओ। हम तो गाइस शादी मुश्किल लिए थे तो एंड गाइस मैंने पता नहीं इन लोगों का जस्ट टाइम दिया या नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था, इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जितना भी टाइम दिया बहुत टाइम ही दिया। मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मुझे को माफ करना। नहीं नहीं आपसे कोई गलती नहीं, हमसे हुई होगी तो माफ करना। लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। मिलते हैं आपको MK स्टूडियो विजिट में मिलेंगे फिर।